90 की दिहाई के दूसरे इंतखाबात उस वक्त हुए जब सदर गुलाम इसहाक खान ने आर्टिकल 50(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए 18 अप्रैल 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने असम्बलीज को दोबारा बहाल कर दिया था, पर सदर और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान बढ़ती हुई तकरार को देखते हुए काकड़ फार्मूला के तहत असम्बलीज फिर से डिजॉल्व कर दी गई और मुल्क इलेक्शन की जानिब गामजन हो गया। ये इंतखाबात 6 अक्टूबर 1993 को हुए और इस बार मुकाबला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच था। इन इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 79 सीटों के साथ सबकत ले गई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट्स हासिल करने के बावजूद सिर्फ 73 सीटें हासिल कर सकी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबकत ले गई, जबकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बलूचिस्तान में बलोच नेशनल पार्टी कामयाब रही। इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कोलेशन गवर्नमेंट कायम की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई, पर यह हुकूमत सिर्फ 2 साल ही चल सकी और इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को घर भेज दिया और पाकिस्तान 90 की दिहाई के तीसरे जनरल इलेक्शन की तरफ गामजन हो गया।